पाकिस्तान बन गया है हिंदुओं के लिए नरकिस्तान। पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं, पाकिस्तान में मंदिर सुरक्षित नहीं, पाकिस्तान में हिंदू बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत, स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दोस्तों आज बात करने वाला हूं पाकिस्तान में हिंदुओं पर किस तरह से किया जाता है अत्याचार, पाकिस्तान में कैसे रहते हैं हिंदू। पाकिस्तान में हिंदू लगातार कम होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यही है कि धार्मिक आधार पर उनके साथ अत्याचार किया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हर साल हिंदू भागकर भारत आ रहे हैं और अब भारत सरकार उनको नागरिकता देने के लिए कानून भी बना रही है। बहरहाल इसका विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे, लेकिन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे किस तरह से पाकिस्तान बन गया है हिंदुओं के लिए नरकिस्तान। पाकिस्तान में पहले 23% हिंदू रहते थे और आज देखें तो सिर्फ 1% हिंदू बचे हुए हैं, यानी 22% हिंदुओं को या तो मार डाला गया या फिर उनका धर्म परिवर्तन किया गया। पाकिस्तान में साल 1947 में 428 बड़े बड़े मंदिर हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ 20 ऐसे मंदिर बचे हैं जहां पर आप पूजा की जाती हो, यानी 408 मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान में हिंदू सिख ईसाई हैं अल्पसंख्यक और पाकिस्तान में मुसलमान मुस्लिम हैं बहुसंख्यक, और पाकिस्तान की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हर साल करीब 1000 हिंदू लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता है और उनका धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बना दिया जाता है। पाकिस्तान में हिंदू बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं की जो जमीन होती है उनको वहाँ के मुस्लिम हड़प लेते हैं और कब्जा कर लेते हैं, और जब इसकी शिकायत की जाती है तो कोई सुनवाई नहीं होती। पाकिस्तान में अगर कोई बेटी हिंदू बेटी का अपहरण करके मुस्लिम बनाने की पूरी कोशिश करता है और निकाह कर लेता है तो इसके बाद कोर्ट भी हिंदुओं के खिलाफ ही फैसला सुनाता है। यही कारण है कि पाकिस्तान में अब हिंदू सुरक्षित नहीं है और भारत सरकार उनको नागरिकता देने जा रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन का कहना है कि पाकिस्तान से तकरीबन 5000 हिंदू परिवार हर वर्ष भागकर भारत आते हैं। हालांकि ये संख्या पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गई है। आमतौर पर ये शरणार्थी राजस्थान दिल्ली और मध्य प्रदेश में शरण लेते हैं। साल 2018 में भारत सरकार ने पाकिस्तान अफगानिस्तान से आई 12,732 मुसलमानों और सिखों को नागरिकता दी थी। इससे पहले भी साल 2017 में 4712 लोगों ने शरण ली थी। वहीं साल 2016 में 2298 हिंदू और सिख शरणार्थियों ने भारत में शरण ली थी, क्योंकि पाकिस्तान में ना तो हिंदू सुरक्षित है, ना ही सिख सुरक्षित है और ना ही दूसरे गैर धर्म। पाकिस्तान में सिर्फ सुरक्षित है तो वो भी मुस्लिम, क्योंकि पाकिस्तान जब बटकर बना था तो इस्लाम के नाम पर नींव रखी गई थी, और पाकिस्तान में अब तो इस्लाम भी मुसलमान भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हर जगह वहाँ पर बम धमाके होते हैं और नमाज पढ़ने जाते हैं मुस्लिम तो यही सोचते हैं कि अगर वापस आ गए तो ठीक है, नहीं तो किसी बम धमाके में मारे जाएंगे। पाकिस्तान में हिंदू बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तो आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि कभी किसी हिंदू लड़की का अपहरण करके उसके साथ जबरन निकाह कर लिया, और पाकिस्तान में हर वर्ष करीब 5000 हिंदू लड़कियों का अपहरण किया जाता है। पाकिस्तान में सिंध सिखों और हिंदुओं से जबरन जजिया टैक्स भी वसूला जाता है। हिंदू कर्मचारियों की हालत भी पाकिस्तान में नाजुक ही है। पाकिस्तान के स्कूलों में किताबों में जो पढ़ाया जाता है उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हिंदुओं के खिलाफ ऐसा पढ़ाया जाता है कि हिंदू ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। हिंदुओं से उनकी बड़े पैमानों पर जमीन छीनी जाती है। यही कारण है कि पाकिस्तान में अब हिंदू रहना नहीं चाहता है। हिंदुओं को ना तो अच्छी नौकरी मिल पाती है और ना ही बैंक लोन। स्कूल में अल्पसंख्यक बच्चों को कुरान भी पढ़ना अनिवार्य है, यानी पाकिस्तान में अगर आप हिंदू हैं तो आपको कुरान पढ़ना बेहद जरूरी है, अदरवाइज आपको शिक्षा से वंचित या स्कूल से ही निकाला जा सकता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पिछले कई दिनों से हिंदुओं के धर्मांतरण की खबरें भी आती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया में इस तरह की खबरें कभी नहीं आती। दोस्तों आपको बता दें कि जब दुनिया में किसी हिंदू को सताया जाएगा तो फिर वो कहां जाएगा। भारत एक ऐसा मुल्क है जहां पर हिंदू बड़ी तादाद में रहते हैं, और जब पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं को सताया जाएगा तो वो कहां जाएंगे। भले ही हमारे देश में सीएए का विरोध हो रहा हो, लेकिन सीएए का विरोध करने वालों को ये भी जानना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में हिंदुओं को सताया जा रहा है तो वो कहां जाएंगे। अगर पाकिस्तान में मुस्लिमों को मुसलमानों को सताया जा रहा है तो 57 देश हैं
जिसमें शरण ले सकते हैं, लेकिन हिंदू कहां जाएंगे? और भारत सरकार भी कह रही है कि सीए तो लागू होकर ही रहेगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में सताए हुए हिंदू जो भारत में रह रहे हैं, उनको अब नागरिकता मिलना तय है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल।